हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टू डिराइव दिस इक्वेशन we will make use of this diagram here is a pipe of varying cross section area this is the end a of pipe and this is end b the area of end a is equal to a1 and area of end B is equal to A2. The velocity of fluid entering at end A is V1 and velocity of fluid leaving at end B is equal to V2. Then volume of fluid flowing per second through end A. Volume of fluid. Volume of fluid flowing per second. Per second at end A is equal to A1 into V1, area into velocity at end A, and mass of fluid passing through end A, mass of fluid passing per second, mass of fluid passing per second, mass of fluid passing per second through end A is equal to, देखिए वॉल्यूम जितना पास हो रहा है उसमें हम फ्लूड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मास बन जाता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। वॉल्यूम कितना पास हो रहा था, ए वन वी वन, और जो फ्लूड की डेंसिटी है एंड ए पर वो क्या है, रो वन, तो उसको हम इसको वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास पासिंग पर सेकेंड हमको मिल जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए वन वी वन into rho 1. Similarly, the mass of liquid, flowing per second, the mass of liquid flowing per second at end B, ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पर हुआ था ए वन वी वन रो वन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए टू वी टू एंड रो टू, ए टू वी टू एंड रो टू। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई हमारी। देन अकॉर्डिंग द law of conservation, law of conservation of mass, mass according to the law of conservation of mass, that mass
एंटरिंग एट एंड ए इक्वल टू मास लीविंग एट एंड बी। ये दोनों मासेस ये हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे। देन अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन मास एंटरिंग एट एंड ए इक्वल टू ए वन वी वन रो वन एंड मास लीविंग एट एंड बी एट बी इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू। अब इन केस द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इस कंडीशन में लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी जो एंड ए पर है वही डेंसिटी एंड बी पर रहेगी। इन दिस कंडीशन तब क्या हो जाएगा, रो वन इक्वल टू रो टू। देन अकॉर्डिंग अबव इक्वेशन द इक्वेशन विल ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ठीक है। और दिस मीन्स दैट ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ठीक है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन रन आउट सम इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इक्वेशन इफ ए टू इज स्मॉलर देन ए वन देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव वी टू ग्रेटर देन वी वन दिस इम्प्लाइज दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीजेज एज द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज। यानी अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज वेलोसिटी इज ग्रेटर इन ए नैरो पाइप एंड स्मॉलर इन ए पाइप विद लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बर्नौलीज थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो
मतलब अगर किसी लिक्विड का स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, कहाँ, किसी पाइप में स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूड। आइडियल फ्लूड मीन्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, आइडियल देन द सम आइडियल फ्लूड देन द सम ऑफ देन द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ देन द सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ वी विल डेराइव दिस इक्वेशन, दिस थ्योरम, इक्वेशन फॉर द थ्योरम। देखिए, इसको डेरिवेशन के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये एक पाइप है, दिस इज ए पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। दो एंड हैं इस पाइप के, एंड ए और एंड बी। यहाँ पर ये हमने दो एरिया कंसीडर किए हैं, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी, इज इक्वल टू बी सी, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी ई। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इंटरिंग एट एंड ए इज वी वन एंड लीविंग एट एंड ए इज वी टू। सिमिलरली द प्रेशर एट एंड ए इज पी वन एंड प्रेशर एट एंड बी इज पी टू। ओके, वी विल राइट, आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम वी विल राइट दैट कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एंड लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इज मूविंग इन ए पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिचुएटेड विद इट्स टू एंड्स एट वेरिएबल हाइट। एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वेरिएबल मीन्स चेंजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसके जो दो एंड्स हैं वो डिफरेंट हाइट्स पर हैं। कौन कौन सी हाइट है, वो एच वन और एच टू, ठीक है। और सपोज द स्पीड ऑफ लिक्विड एट एंड ए इज वी वन एंड द स्पीड ऑफ लिक्विड एट एंड बी इज वी टू, देन द वर्क डन ऑन द फ्लूड एट एंड ए, द वर्क डन ऑन द फ्लूड एट एंड ए, वर्क डन ऑन द फ्लूड एट एंड ए टू मूव इट, टू मूव इट थ्रू डिस्टेंस, थ्रू डिस्टेंस बी सी, ठीक है, थ्रू डिस्टेंस बी सी इन टाइम डेल्टा टी। दिस वर्क, लेट दिस वर्क डन इज डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन इक्वल टू
P1 A1 इंटू V1 डेल्टा T। देखिए वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंड A पर जो फोर्स है लिक्विड पर वो कितनी हो गई, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स कितनी हो गई P1 A1, और डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कैसे बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है V1 थी, और टाइम कितना लिया हमने डेल्टा टी, तो डिस्टेंस बन गया क्या डेल्टा टी। ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये बन गया डिस्टेंस, और ये इधर बन गया फोर्स। तो ये वर्क हो गया इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, और W1 इज गिवन बाय P1 डेल्टा V। A डेल्टा T इक्वल टू क्या बन जाता है डेल्टा V। W1 इक्वल टू P1 डेल्टा V। अब जो एंड A, जो एंड B है ये वाला एंड, यहाँ पर जब यहाँ पर लिक्विड पर वर्क किया गया था, जो एंड B है वहाँ पर लिक्विड वर्क करता है पाइप से बाहर निकलने के लिए। तो एट एंड बी वर्क डन बाय लिक्विड, एट एंड बी वर्क डन बाय लिक्विड, सपोज दिस वर्क डन इज इक्वल टू W2, देन अकॉर्डिंग द फर्स्ट इक्वेशन के बेस पर ही चलते हुए, द वर्क डन बाय लिक्विड ऑन एंड टू इन लीविंग थ्रो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस DE, लीविंग थ्रो डिस्टेंस DE, दिस वर्क इज गिवन बाय P2 A2 इंटू V2 डेल्टा T। देखिए यहाँ पर हम माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पर वर्क किया गया था, यहाँ लिक्विड वर्क कर रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस की फॉर्म में आएगा, और ये इक्वल टू बन जाएगा माइनस P2 डेल्टा V, माइनस P2 डेल्टा V। तो ये दो वर्क हमें मिल गए W1 और W2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इंटू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, यू शुड रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इंटू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एंड पार्ट गोज इनटू चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इनटू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब द टोटल वर्क डन हमने दो वर्क हुए थे, एक W1 और एक W2। द टोटल वर्क डन कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दीज टू वर्क्स, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2। सिंस W2 इज इक्वल टू W2 हैव माइनस साइन, देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 माइनस W2। नाउ वी विल पुट the values of W1 and W2, the values of W1, P1
डेल्टा वी माइनस पी टू डेल्टा वी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी वन माइनस पी टू डेल्टा वी, दिस इज द टोटल वर्क डन। ठीक है, इफ नाउ इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूड, इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूड, देन मास ऑफ फ्लूड पासिंग इन टाइम डेल्टा टी फ्लूड, देन मास ऑफ फ्लूड, मास ऑफ फ्लूड पासिंग इन टाइम, फ्लूड पासिंग इन टाइम डेल्टा टी, सपोज दिस मास इज डेल्टा एम, देन दिस मास इज गिवन बाय रो ए वन वी वन डेल्टा टी और विच इज इक्वल टू रो डेल्टा वी, द मास इज रो डेल्टा वी। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू रो जी डेल्टा वी, रो जी डेल्टा वी एंड एच टू माइनस एच वन, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू वन अपॉन टू रो डेल्टा वी, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, दिस थ्योरम टेल्स दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वर्क डन, वर्क डन हमने क्या निकाला था, इस इक्वेशन से निकाला था, वर्क डन क्या था, वर्क डन W, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा U, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा K, दैट इज W इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ W, द वैल्यू ऑफ W P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, और जो हमने निकाला था क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था वन अपॉन टू रो डेल्टा V
वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, रोहो जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रोहो जी डेल्टा वी एच टू माइनस एच वन। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय डेल्टा वी। ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ अबव इक्वेशन बाय डेल्टा वी, इस इक्वेशन की जितनी भी टर्म है सबको डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं, पी वन पी टू डेल्टा वी, इसमें भी डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू वन अपॉन टू रो डेल्टा वी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, इसको भी डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस रोहो जी डेल्टा वी एच टू माइनस एच वन, इसमें भी डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर की टर्म में सब जगह डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा, अब इक्वेशन बनेगी पी वन माइनस पी टू इक्वल टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू रोहो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस रोहो जी एच टू माइनस एच वन। ठीक है, अब देखिए पी वन माइनस पी टू ये इक्वेशन बन जाएगी जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वन अपॉन टू रोहो वी टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू रोहो वी वन स्क्वायर माइनस रोहो जी एच टू माइनस रोहो जी एच वन, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन बनेगी क्या, पी वन प्लस वन अपॉन टू, इसको इधर ले आएंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन टू रोहो वी वन स्क्वायर, और ये इसको भी इधर ले आएंगे इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का रोहो जी एच वन रोहो जी एच वन, और इधर वाली टर्म बन जाएगी पी टू प्लस वन अपॉन टू रोहो जी वी टू स्क्वायर प्लस रोहो जी एच टू, दैट इज टोटल। इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई देता है, द सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एंड ए इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एंड बी, दैट इज पी प्लस वन अपॉन टू रोहो वी स्क्वायर प्लस रोहो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड दिस वॉज सेड इन द क्वेश्चन इन सेड इन द थ्योरम दैट इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूड द सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज बर्नौली'स थ्योरम। ओके, थैंक यू।